मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुश्री उमा भारती जी, हरियाणा सरकार में मंत्री बहन कविता जैन जी, विधायक जी सुभाष बराला जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देश विदेश से यहाँ भारी संख्या में पहुंची स्वच्छाग्रही भाइयों और बहनों, ज्ञान धर्म और कर्म की भूमि, जिस भूमि को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, जहां से भगवान कृष्ण ने मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया, सत्य और न्याय का रास्ता जिस धरती से प्रशस्त हुआ, ऐसी पवित्र धरती पर देश के कोने कोने से आए आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। ये कुरुक्षेत्र की वो धरती है, हजारों साल पहले इसी धरती पर एक स्वच्छता का अभियान हुआ था, श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ था और अनैतिकता को साफ करने का काम हुआ था। आज युग बदला है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया में शायद गीता का संदेश अपने आप में एक अजूबा है कि युद्ध की भूमि में, जहां जीवन मरण के खेल खेले जाते थे, जहां नैतिकता और अनैतिकता के बीच भीषण संग्राम था, उस धरती पर उसी वातावरण में हजारों साल तक जीवित रहने वाला एक संदेश उस भूमि में प्रकट हुआ, श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ, जो गीता के रूप में आज हम जानते हैं। शायद युद्ध की भूमि में मानवता का इतना बड़ा संदेश शायद ही निकल सकता है, और यही इस देश की विशेषता है। हजारों स्वच्छाग्रहियों, स्वच्छ शक्तियों का ये विस्तार स्वच्छता के प्रति देश के नए संस्कार का जीता जागता सबूत है। देश भर से आप सभी का कुरुक्षेत्र की इस प्रेरणा स्थली पर जुटना स्वच्छ भारत के संकल्प को, नए भारत के संकल्प को और मजबूत कर रहा है। मुझे बताया गया है कि देश भर के अनेक सेंटर से तकनीक के माध्यम से भी बहनें इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। उसके साथ साथ हरियाणा में भी 5 स्थानों पर अभी एक बहुत बड़े कार्यक्रम पैरेलल चल रहे हैं, और ऐसी ही जनवेदनी उन स्थानों पर भी है, चाहे वो फरीदाबाद हो, पानीपत हो, करनाल हो, पंचकुला हो, बत्सा हो। देश ही नहीं, विदेश से भी
आज इस समारोह में यहां लोग आए हैं। नाइजीरिया का एक डेलीगेशन यहां मैं सामने देखता हूं। आई वेलकम अवर गेस्ट फ्रॉम नाइजीरिया। आई एम टोल्ड दैट यू आर हियर ऑन ए स्टडी टूर सिंस द पास्ट वीक टू लर्न हाउ द स्वच्छ भारत मिशन अचीव सच ड्रामेटिक सक्सेस सो क्विकली एंड हाउ इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन नाइजीरिया। आई सिंसियरली विश यू ऑल सक्सेस। मैं अभी मनोहरलाल जी को सुन रहा था। मैं सचमुच में उन्होंने जो आंकड़े बताए, जो जानकारियां दी, मैं सचमुच में अभिभूत था। पहले बहुत सरकारें आके गई, लेकिन जो नारी शक्ति के लिए हरियाणा मात्र में काम किया गया है और उसमें जो सफलता मिली है, आंकड़ों के साथ जो ब्यौरा आपने दिया, मैं मनोहर लाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप भी जी तालियां बजा करके हरियाणा की सरकार का अभिवादन कीजिए। साथियों, स्पष्ट है कि आज स्वच्छ भारत अभियान का अनुकरण दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे हैं। ये आपके संकल्प और समर्पण की शक्ति है। आप में से जिन बहनों को इस अभियान के लिए आज स्वच्छ शक्ति पुरस्कार मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके उन ग्रामवासियों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में विश्वास करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उस गांव को इस ऊंचाई पर ले आए हैं। तो उस गांव के सब लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां लगी प्रदर्शनी को भी मैंने देखा। एक महीने के भीतर 1.25 करोड़ से अधिक टॉयलेट पर पेंटिंग उकेरना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल तो किसी जिले में भी अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो जाए तो महीनों तक उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की खबरें अखबार में छाई रहती है, तस्वीरें छपती रहती है। पहली बार हमने एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की जिसमें टॉयलेट का सौंदर्यकरण, उसका नाम इज्जतघर। और जब तक हम टॉयलेट की प्रतिष्ठा नहीं स्वीकार करेंगे, स्वच्छता का स्वभाव नहीं बन पाएगा। और ये इस स्पर्धा के पीछे यही मूलभूत इरादा था कि गांव में आते ही जब हर घर के पास रंग बेरंगी ये छोटी छोटी जगह देखेंगे तो आने वाले हर एक को मन करेगा ये क्या है, और जब पता चलेगा ये हमारा इज्जत घर है, ये हमारा टॉयलेट है, सबको इस किसी को लगेगा हां इस नगर में बदलाव है। आपको हैरानी होगी, यूरोप में एक स्थान है, उस स्थान में टूरिज्म बहुत चलता है, बहुत यात्री आते हैं। और कारण क्या है, तो वहां के लोगों ने अपने घर का जो बाहर का हिस्सा होता है, आगे की दीवार जहां दरवाजा लगा रहता है, उसको भांति भांति के रंगों से रंगा हुआ है। अब जब उन्होंने किया वो तो ऐसे ही
ठीक लगा, जिसको जो कलर लग गया कर लिया, लेकिन धीरे धीरे वही एक प्रचार का कारण बन गया और बाद में वहां के लोग भी हर साल अपने घरों के आगे की दीवार को विशेष रूप से रंग रोगान करके बड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं। और आपको हैरानी होगी, उस एक कारण से उस नगर की रचना को देखने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट वहां जाते हैं। शायद हिंदुस्तान में भी कोई गांव ऐसा निकलेगा कि जहां के टॉयलेट इतने शानदार होंगे, उस पर रंग रोगान इतना शानदार होगा, उस पर चित्रकाम इतना शानदार होगा कि शायद टूरिस्टों को टॉयलेट देखने के लिए मजबूर कर दें। ये भी तो दिन आ सकता है। साथियों, आज के दिन हरियाणा की धरती को मैं इसलिए भी विशेष आभार जताने आया हूं क्योंकि यहां से हमने जो भी बड़े लक्ष्य तय किए, वो सारे लक्ष्य हमने हासिल किए। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था तो इसी हरियाणा से मैंने देशवासियों से आशीर्वाद लेने की शुरुआत की थी। उस समय मैंने हरियाणा के सेना के जवानों से आशीर्वाद लिए थे, आज मैं देश भर की माताओं से आशीर्वाद ले रहा हूं, कुरुक्षेत्र की धरती से ले रहा हूं, जहां से कृष्ण भगवान ने विजय ध्वज फहराया था वहीं मैं आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं। साथियों, पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन का वादा भी इसी धरती पर मैंने किया था और जो पूरा किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना भी इसी धरती से लॉन्च की थी और देखते ही देखते ये पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में फैल गई। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की पहली लाभार्थी वो भी हरियाणा की बिटिया ही है। आज स्वच्छ शक्ति अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत भी हरियाणा से हो रही है। साथियों, हरियाणा ने जो स्नेह मुझे दिया उसको मैं ब्याज समेत लौटाने का प्रयास करता रहा। बीते 4.5 वर्षों में मनोहरलाल जी की अगुवाई में चल रही सरकार के साथ मिलकर हर हरियाणवी के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस सिलसिले को विस्तार देते हुए स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जज्जर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, कुरुक्षेत्र में आयुष यूनिवर्सिटी हो, करनाल में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी हो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हो, फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो, ये तमाम प्रोजेक्ट हरियाणा वासियों के जीवन को स्वस्थ और सुगम बनाने वाले हैं। साथ ही यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसके अलावा आज यहां पानीपत की लड़ाई से जुड़े म्यूजियम का भी शिलान्यास किया गया है। ये लड़ाई हमें देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े
महत्वपूर्ण सबक देती है। और मैं मनोहरलाल जी को इस बात के लिए भी अभिनंदन देता हूं कि पानीपत की लड़ाई का जो रूप उन्होंने कल्पना की है वो एक प्रकार से सदियों पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे देश ने कंधे से कंधा मिलाकर के कैसी लड़ाई लड़ी थी इसका वो जीता जागता सबूत है। कोई भी मानव जात इतिहास की जड़ों से कट करके इतिहास कभी बना नहीं सकती है। इतिहास वो ही बना सकते हैं जो इतिहास की जड़ों से रसकस लेकर के फलते फूलते हैं। कुछ लोगों ने यही सोचा कि हिंदुस्तान का इतिहास 1947 से शुरू होता है और एक ही परिवार से शुरू होता है और उसी ने देश को इतिहास की जड़ों से काटने का पाप किया। मुझे खुशी है कि हरियाणा की इस धरती पर इतिहास को आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा जीवित करने का, आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने का, प्रशिक्षित कराने का एक उत्तम कार्य आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हरियाणा देश की परंपरा से सशक्त करने में जुटा है जिसके मूल में नारी शक्ति है। यहां की धरती ने अनेक ऐसी बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया और अब न्यू इंडिया के संकल्प को सशक्त कर रही है। यहां की ही बेटी कल्पना चावला ने दिखाया कि भारत की बेटियों के लिए आसमान की ऊंचाइयां भी कम पड़ सकती है। वहीं आज जब भारत खेल कूद के मैदान में दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भी हरियाणा की बेटियां अगुवाई कर रही है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप में से अनेक बहनें यहां पर कल्पना चावला प्लेनेटोरियम गई थी, आपने यहां का महिला थाना भी देखा, इसके अलावा वेस्ट से वेल्थ, कचरे से कंचन बनाने की नई तकनीक, खेती से जुड़ी नई तकनीक, ऐसे अनेक अभिनव प्रयोग जो हरियाणा में हो रहे हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी ली है। इस प्रकार का कार्यक्रम पहले दिल्ली में हुआ करता था, हम दिल्ली के बाहर कार्यक्रम करते हैं, हरियाणा की चीजों को यहां के लोग बहने आएगी, देश की देखेगी, जो चीज अच्छी है वहां कर सकते हैं वो अपने यहां लागू करेगी। और ये प्रयास अपने आप में एक नई, एक प्रकार से ये प्रशिक्षण शिविर टाइप काम आज यहां हुआ है। साथियों, मेरा स्पष्ट मान रहा है कि अगर बेटियां सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों के दौरान जितनी भी बड़ी योजनाएं या कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें महिला सशक्तिकरण एक बड़ा दे रहा है। हमारी सरकार का प्रयास महिला जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ देने का रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बच्चियों की जनसंख्या में सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। राष्ट्रीय पोषण अभियान और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से
प्रसूता माताओं के जीवन पर आने वाला खतरा कम हुआ है। बेटियों पर बलात्कार जैसे अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान भी पहली बार हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें भी वो घर महिलाओं के नाम पर ही रजिस्ट्री होते हैं। महिलाओं के नाम पर ही घर मिले इसी को प्राथमिकता दी जाती है, वरना हमारी समाज रचना ऐसी है कि परिवार में जमीन है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, बंगला दुकान घर कुछ भी है पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो सारा का सारा बेटे के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। हमने इस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सारे घर महिलाओं के नाम देने का निर्णय कर लिया। साथियों, पहली बार बेटियों को किचन के दायरे से बाहर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में पहली बार बेटियां फाइटर पायलट बनी है। अब तो मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन पालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 15 करोड़ ऋण से लगभग 11 करोड़ यानी करीब करीब 75% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण उपलब्ध कराया गया है। ये राशि वर्ष 2014 के पहले के 4 वर्षों में दिए गए ऋण से 2.5 गुना ज्यादा है। साथियों, इस साल के बजट में भी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, चाहे वो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर हो, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो, बच्चों से जुड़ी योजनाएं हो, इनका विशेष ध्यान आपने बजट में देखा होगा। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान पर अगर मैंने इतना बल दिया है तो उसके पीछे देश की बहन बेटियों की गरिमा है, उनका सम्मान है। साल 2014 में जब आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व सौंपा, उस समय स्थिति ये थी कि देश में लगभग 30 करोड़ बहनों को टॉयलेट के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। अनेक बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां बेटियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इस सच्चाई के साथ तो मैं बचपन से ही जीता आया हूं, लेकिन करोड़ों बहनों की पीड़ा ने मुझे जगजोर दिया। यही कारण है कि लाल किले से मैंने देश की बहन बेटियों को इस अपमान और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उस समय आपने भी देखा होगा कि जो पहले सत्ता में थे उन्होंने कैसे कैसे मेरा मजाक उड़ाया था, न जाने मुझे क्या क्या कहा गया, कितनी आलोचना की गई। ये कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। मेरी सोच और समझ को लेकर
अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई। साथियों, ये टिप्पणी करने वाले या तो वो लोग थे जिनको बहनों की पीड़ा की परवाह ही नहीं थी। मुझे इस पीड़ा की जानकारी भी थी और करोड़ों बहन बेटियों की परवाह भी है। इसलिए मुझे सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोगों के तंज कभी नहीं चुभते। मेरा अपमान वो करते रहे लेकिन करोड़ों बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी, इज्जत घर, ये कैसे मिले, जल्द से जल्द कैसे मिले, इस बात को मैंने मन में ठान के रखा है और जी जान से उसके लिए जुटा हुआ। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सभी ने, देश के हर सामान्य मानवी ने मेरी इन भावनाओं को समझा और पूरी शक्ति से सहयोग दिया। परिणाम यह है कि आजादी के लगभग 70 वर्षों में स्वच्छता का जो दायरा करीब 40% था वो आज 98% तक पहुंच चुका है। 4.5 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। 600 जिलों के 5.5 लाख गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान से बहनों और बेटियों को अपमान और पीड़ा से मुक्ति तो मिल ही रही है, रोजगार का भी ये बड़ा माध्यम सिद्ध हो रहा है। एक अनुमान है, इस अभियान की वजह से करीब करीब 45 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस अभियान ने रानी मिस्त्रियों को, हमारी यहां पहले परंपरा थी राजमिस्त्री, ये स्वच्छता का अभियान है जिसने राजमिस्त्री के बदले रानी मिस्त्री को जन्म दे दिया और इन रानी मिस्त्री को सबसे अधिक सशक्त किया है, क्योंकि टॉयलेट बनाने से जो ट्रेनिंग उनकी हुई है उसको वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर बनाने या दूसरों के घर बनाने में भी इस अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपने कौशल्य का उपयोग कर रहे हैं। साथियों, आपके प्रयासों की वजह से आज स्वच्छ भारत मिशन एक अहम पड़ाव पर है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे, हमने उन्हें स्वच्छ भारत का वादा किया हुआ है, जिस वायदे को पूरा करने में नारी शक्ति के नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो शौचालय बने हैं उनका इस्तेमाल भी हो। स्वच्छता को हमें गांव गांव, घर घर का संस्कार बनाना है। आप में से अनेक बहनें अपने गांवों की सरपंच है, पंचायत की मेंबर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है या फिर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर है। मुझे आपके प्रयासों, आपके संघर्षों की भी जानकारी दी गई है। मुश्किल परिस्थितियों में कैसे आपने अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किया, ये भी मुझे बताया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर के अरीना गांव की नसीमा बेगम जी ने गांवों में जा जा कर लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया।
आज वहां के लोग उनसे इतना प्रसन्न है कि नसीमा जी को गांव का सरपंच ही चुन लिया। इसी तरह मध्य प्रदेश सुशील नरायती जी ने सोनी जिले में 21 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराया। आप में से जितने भी लोग यहां हैं, जितनी भी बहनें हैं, सबकी ऐसी ही कहानियां हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए ये भी आग्रह करूंगा कि आपस में एक दूसरे के काम करने के तरीके पर जरूर चर्चा करें, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें, उस इस इलाके में क्या हो रहा है जानने की कोशिश करें। हो सकता है अपने क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नए आइडियाज, नए विचार आपको मिल जाए। ये नए विचार और नया अनुभव आपके और काम आने वाला है। आप उन्हें अपने गांव में लागू कर इस बदलाव को और गति दे सकती है। साथियों, स्वच्छता का सीधा सरोकार स्वास्थ्य से है और गरीब परिवारों को इसका विशेष लाभ मिलता है। इससे डायरिया जैसी घातक बीमारी से हम हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख जीवन बचना संभव हुआ है। अगर हम एक की भी जिंदगी बचा लें तो जन्मों जन्म का पुण्य मिल जाता है। आप लोग तो 3 लाख लोगों की जिंदगी बचा रहे हो, जन्मों जन्म का पुण्य आपके साथ जुड़ रहा है। साथियों, स्वास्थ्य चाहे गरीब का हो या फिर मध्यम वर्ग के परिवार का, देश के इतिहास में पहली बार सरकार व्यापक रूप से प्रयास कर रही है। चाहे बड़े अस्पतालों का नेटवर्क हो, आयुष्मान भारत के तहत देश भर के गांवों में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का अभियान हो, या फिर गरीब को मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत, एक साथ अनेक काम हो रहे हैं। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ हरियाणा में ही नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सहित इलाज और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े 5 बड़े संस्थानों का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। 2000 करोड़ रुपए से बना नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लागत के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है। यहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं बनाई जा रही है। इसी तरह यहां कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी और पंचकुला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के बनने से आयुर्वेद से जुड़े हमारे पुरातन उपचार की पद्धति को और बल मिलेगा। वहीं करनाल की पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में स्वास्थ्य से जुड़े शोध हो पाएंगे। फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से हमारे कामगार भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। साथियों, केंद्र सरकार देश में बड़े अस्पतालों का नेटवर्क किस तेजी से बिछा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज 21 एम्स देश में या तो काम कर रही है या फिर निर्माण का कार्य चल रहा है। इनमें से 14 एम्स पर काम 2014 के बाद, हमारे आने के बाद शुरू हुआ है। मुझे खुशी है कि इसमें एक और एम्स और जुड़ने वाला है जो हरियाणा के ही रेवाड़ी में बनेगा। मुझे बताया गया है कि मनेठी के जागरूक लोगों ने इस एम्स के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी है। मैं सभी जनों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद
और बधाई देता हूं। अब बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। साथियों, अच्छे और बड़े अस्पतालों के साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। घुटनों और हार्ट के ऑपरेशन भी कई गुना सस्ते किए गए हैं। किडनी के मरीजों के लिए जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा जुटाई गई है। आयुष्मान भारत के तहत तो देश के लगभग 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलने लगा है। अभी इस योजना को लागू हुए 150 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी तक 11 लाख से अधिक गरीबों को इसके तहत इलाज की सुविधा मिल चुकी है। साथियों, आज जब मैं नारी शक्ति की बात कर रहा हूं तो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात न करूं ये हो नहीं सकता, और हरियाणा में न करूं जो तो जय जवान का भी प्रदेश है, जय किसान का भी प्रदेश है। बिना महिलाओं के योगदान के इस सेक्टर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस बजट में सरकार द्वारा बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अब ऐसे किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनके बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये सीधा जमा कराए जाएंगे। ये पैसे 2,000 की 3 किस्तों में जमा होंगे, जिसकी पहली किस्त बहुत ही जल्द देने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गांव का, गरीब का, किसान का, मध्यम वर्ग का जीवन सरल और सुगम हो। ये काम इतने बड़े स्तर पर इतनी तेजी से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 4.5 वर्ष पहले आप सभी ने एक मजबूत सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए अपने वोट का सदुपयोग किया था, और इसके लिए आज ये सारे काम संभव है। आपने देश में ईमानदारी की व्यवस्था लाने के लिए अपना वोट दिया था। आपके उसी विश्वास पर चलते हुए बिचौलियों और गरीबों का हक लूटने वालों को सारी व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया गया है। आज देश के हर ईमानदार को इस चौकीदार पर विश्वास है, लेकिन जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। आप यहां हरियाणा में भी तो देख रहे हैं कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से कैसे कैसों का पसीना छूट रहा है। साथियों, महामिलावट के ये सारे चेहरे जांच एजेंसियों को, कोर्ट को धमकाने और मोदी को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। आप आश्वस्त रहिए, ये चौकीदार ना तो इनकी धमकियों से और ना ही इनकी गाली गलौज से डरने वाला है, नहीं रुकने वाला है और नहीं झुकने वाला है। देश को भ्रष्टाचारियों से और गंदगी से मुक्ति दिलाने का हमारा सफाई अभियान और तेज होने वाला है। इस अभियान के लिए आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और अभी अभी आपके राज्य के कई लोग शायद कुंभ के मेले में गए होंगे। इस बार जो लोग कुंभ के मेले में से आते हैं वापस, हर गांव में एक बात की चर्चा हो रही है हिंदुस्तान के, जो जो कुंभ के मेले में गए
मुझे बताया गया कि परसों जब शाही स्नान हुआ, कुछ दिन पहले हुआ, तब तक करीब करीब 17 करोड़ लोग, यानी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा जनसंख्या गंगा के तट पर स्नान करने के लिए, 17 करोड़ लोग। उसके बाद भी स्वच्छता के विषय में उन्होंने जो मानदंड तय किए थे उसमें जरा भी नरमी नहीं आने दी। आप हैरान होंगे, अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुंभ के मेले की चर्चा करता हुआ एक आर्टिकल लिखा, उसमें कुंभ मेले में जो स्वच्छता है उस स्वच्छता के लिए उन्होंने कुंभ मेले की बहुत बड़ी तारीफ की है। देखिए, ये बदलते हुए हिंदुस्तान का ये दृश्य है। मैं कुंभ के मेले में ये स्वच्छता के लिए काम कर रहे, दिन रात काम कर रहे उन सभी मेरे बहनें भाइयों को आज कुरुक्षेत्र की धरती से आदर पूर्वक नमन करता हूं। और अखाड़े, संत समाज, साधु महात्मा, उन्होंने भी कुंभ के मेले में स्वच्छता को लेकर के अपने अपने व्याख्यान प्रवचनों में भी इस बात को बार बार दोहराया। स्वच्छता के अभियान को साधु संतों ने आशीर्वाद दिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं उन संतों, महंतों, ऋषियों, मुनियों का भी आदर पूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप देश के कोने कोने से आए हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर स्वच्छ शक्ति पुरस्कार जीतने वालों को मैं आदर पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।